दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऋषभ पंत हुए जानलेवा हादसे का शिकार, तो उनकी मां का रो रो कर हुआ बुरा हाल, सदमे में है पूरा परिवार, सामने आया है दिल तोड़ देने वाला रिएक्शन। तो आखिर ऋषभ पंत की जान बचने के बाद क्या कुछ कहा है उनकी माँ और ऋषभ पंत की बहन ने, उनके भावुक कर देने वाले बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, आप भी ऋषभ पंत को जल्द मैदान में देखना चाहते हैं तो जल्दी ठीक होने की कामना करते हुए कॉमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 30 दिसंबर का शुक्रवार ब्लैक फ्राइडे के नाम से लोगों के जहन में रहेगा, जहां एक के बाद एक लोगों के दिल तोड़ देने वाली खबर सामने आई। लेकिन क्रिकेट के चाहने वालों के लिए ऋषभ पंत के जानलेवा हादसे से बड़ा सदमा कुछ नहीं था। ऋषभ पंत के साथ ऐसी जानलेवा घटना हुई है कि कुछ पल देरी ऋषभ पंत की जान भी ले सकती थी। जी हाँ, आपको बता दें, ऋषभ पंत की कार रुड़की हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल वो श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो छुट्टी मनाने के लिए अपने घर उत्तराखंड वापस जा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ पंत अपनी मां को सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए वो रातों रात दिल्ली से उत्तराखंड जाने के लिए रवाना हो गए। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका यह सरप्राइज उनकी जान पर बनाएगा। दोस्तों, हादसा इतना भयानक था कि ऋषभ पंत की कार मिनट के अंदर धू धू कर जल उठी और पूरी तरह से खाक हो गई। वो तो ऋषभ पंत शीशा तोड़कर खुद ही कार से कूद गए थे, जिस कारण उनकी जान बच गई, लेकिन उन्हें कई गंभीर चोटें आई हैं। आनन-फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां से उन्हें देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया। दोस्तों, ऋषभ पंत के सिर, पैर और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि उनकी जान पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन पंत के साथ हुई इस घटना ने 130 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। हर तरफ केवल निराशा है, तो वहीं उनके परिवार की तो हालत खराब हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें, ऋषभ पंत के साथ हुई इस घटना को सुनकर उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वो ऋषभ पंत को जल्द से जल्द देखने की जिद कर रही है। परिवार वाले उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है। तो वहीं इस बीच उनकी बहन का बयान भी सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि मेरे पास शब्द नहीं है, हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज से दर्दनाक दिन हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, हमारे आंसू नहीं रुक रहे हैं, हम बस जल्द से जल्द उनसे मिलना चाहते हैं। आप सब भी प्रार्थना करिएगा कि पंत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दोस्तों, पूरा देश इस समय हादसे में है, हर तरफ केवल ऋषभ पंत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। लेकिन जाने से पहले, आप भी यदि ऋषभ पंत को जल्द से जल्द ग्राउंड में देखना चाहते हैं तो उनके लिए कामना करते हुए कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।